इंदौर की, जहां 35 लाख की एमडी ड्रग बरामद हुई है और नारकोटिक्स पुलिस की बड़ी कार्रवाई से कहा जा रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से सप्लाई की गई थी एमडी और ड्रग्स। आरोपी शाहरुख और सलीम गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने पाक अधिकृत कश्मीर से ड्रग सप्लाई करने की बात कबूली है। एक ट्रक ड्राइवर से ड्रग्स लेने की बात स्वीकारा गया है और ट्रक ड्राइवर को नारकोटिक्स पुलिस ने आरोपी बनाया है। ट्रक ड्राइवर फिलहाल गिरफ्त से दूर है, अब उसकी तलाश में लगातार जांच चल रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी कार्रवाई, पीओके से सप्लाई की गई थी एमडी और ड्रग्स, जिसे धर दबोचा गया है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, करीब 35 लाख रुपए। इंदौर में 35 लाख की एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। नारकोटिक्स पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से सप्लाई की गई थी एमडी ड्रग्स, जिसके बाद आरोपी शाहरुख और सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में इन दोनों ही लोगों ने इस बात को कबूला है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से ही ड्रग्स की सप्लाई की गई थी। अब ड्राइवर के लिए लगातार तलाशी जारी है कि ड्राइवर कौन है और वो ट्रक जिसमें से इन्होंने ये तमाम सामान लिए थे, उस ट्रक के ड्राइवर के बारे में भी जांच चल रही है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये संकल्प लिया गया है देश के गृह मंत्री की तरफ से कि ड्रग फ्री देश को बनाया जाएगा, लेकिन इस तरह से जब मामले सामने आते हैं देश के कोने कोने से, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। अब इंदौर में जो ड्रग पकड़ा गया है उसके बारे में बताइए, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मध्य प्रदेश है वो देश का हार्ट है, बिल्कुल बीच में बता हुआ, और वो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, मिनी मुंबई का ड्रग्स कनेक्शन जो है वो पीओके से सामने आया, यानी पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहां से और इंदौर का ड्रग्स का कनेक्शन सामने आया है। और इंदौर नारकोटिक्स विंग की बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, ये बड़ी सफलता है, क्योंकि इस बार जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बहुत कुछ खुलासे हो सकते हैं, बहुत कुछ राज निकल सकता है कि आखिर ये कौन सा नेटवर्क है, कौन कौन लोग हैं, क्या ये पाकिस्तान के ही हैं, जम्मू कश्मीर से कौन इसे नेटवर्क को संचालित कर रहा है। क्योंकि अभी तक पूछताछ में जो बात सामने आई है कि ट्रक ड्राइवर तो गिरफ्तार से दूर है, लेकिन ये बात जरूर सामने आई कि जम्मू कश्मीर का एक शख्स है जो पाक अधिकृत कश्मीर से लाकर एमडी ड्रग्स इन्हें देता था और उसके बाद ये अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में इसकी सप्लाई होती थी। और इस वक्त अगर ड्रग्स के रैकेट की बात की जाए या ड्रग्स का जो लोग रैकेट संचालित कर रहे हैं, ड्रग्स तस्करों के निशाने पर देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। इसके पहले भी बड़ी कार्रवाई हुई, 70 करोड़ रुपए की एमडी जो ड्रग्स है वो इंदौर से ही पकड़ी गई थी, उसका नेटवर्क हैदराबाद से आया था। इसके अलावा लगातार ड्रग्स को लेकर बड़ी कार्रवाई इंदौर में देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार इंदौर नारकोटिक्स विंग की बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इस बार दो आरोपी गिरफ्तार हुए और दोनों आरोपियों के साथ में 30 लाख रुपए से ज्यादा की एमडी ड्रग्स मिली उनके पास से, लेकिन बड़ा कनेक्शन पीओके का सामने आया है। उस बड़े नेटवर्क की बात कही जा रही है जो देश की बड़ी एजेंसियां हैं उन्हें यहां से सूचना दे दी गई है, बड़ी जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन यहां से दी जा रही है कि ये जो दो शख्स हैं रहने वाले इंदौर के, कहां रहने वाले, कब कब इन्होंने ट्रेवल किया, कहां कहां पे ये रुका करते थे, किस किस के संपर्क में थे, क्योंकि पूरा कनेक्शन जो है ड्रग्स का पाक अधिकृत कश्मीर से सामने आया। जहां एक तरफ देश के गृह मंत्री लगातार ड्रग्स को लेकर कार्रवाई की बात करते हो कि ये पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, जो आसपास के जम्मू कश्मीर से लगे हुए जो बॉर्डर है वहां से इनकी बमबारी बड़ी मात्रा में ड्रग्स का संचालन किया जाता है, ड्रग्स की तस्करी की जाती है। पंजाब, इससे पहले हमने देखा है कि पंजाब, हरियाणा, ये इनके नेटवर्क पर आ, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देश के सबसे स्वच्छ शहर पहुंच चुके हैं। और लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि इंदौर तक ये ड्रग्स कैसे आ रहा, क्या पहली बार आया या इसके पहले भी कई बार आ चुका है, और यहां से इससे पहले भी हमने देखा गोल्ड तस्करी का जो इस वक्त अड्डा बना दिया गया है वो इंदौर को बनाया गया है। इस वक्त कई सारे गोल्ड तस्कर इंदौर से पकड़े गए, एयरपोर्ट पर जब उन्हें पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो एयरपोर्ट से, इंदौर एयरपोर्ट तक इस्तेमाल करते हैं फ्लाइट का, इसके बाद बाई रोड, क्योंकि इंदौर महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, इन चार राज्यों से ये मध्य प्रदेश लगा हुआ है। और खासतौर पर अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर से राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, ये जाना बिल्कुल पास में, इंदौर के से बिल्कुल ये नजदीक है, करीब 200 से 300 किलोमीटर के सराउंड में दूसरे राज्य लग जाते हैं। तो क्या यहीं तक सिर्फ ड्रग्स की तस्करी हो रही थी या दूसरे जगह पर तस्करी की जा रही थी, क्या मुंबई भेजा जा रहा था, हर एक एंगल पे पूछताछ की जा रही है। लेकिन नेटवर्क के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितना बड़ा नेटवर्क है, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, पीओके से कनेक्शन है, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए।
और अब खबर सतना से है, जहां सतना में ग्रामीणों ने शराब से भरी गाड़ी पकड़ी है। ड्राइवर ने भागने की भी कोशिश की, ड्राइवर ने ग्रामीणों पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है कि आखिर जो शराब से भरी गाड़ी है वो है किसकी, कहां लेकर जाया जा रहा था भारी मात्रा में शराब। ड्राइवर ने भागने की भी कोशिश की लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस अब पूछताछ कर रही है। इंदौर से बाल विवाह का मामला सामने आया, जहां एक मौलाना को बाल विवाह करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मौलाना पर आरोप है कि उसने 15 साल की किशोरी की शादी 30 साल के युवक से करा दी, जिसके बाद खजराना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है खजराना से, और इंदौर में बाल विवाह का जो है मामला है, इसमें अब मौलाना को गिरफ्तार किया गया है और एक मौलाना को बाल विवाह करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरअसल 15 साल की महज किशोरी है और बाल विवाह कराना जुर्म है। उसने 15 साल की किशोरी की शादी 30 साल के से ज्यादा की उम्र के, सीधे 15 साल बड़े उम्र के व्यक्ति से शादी करा दी, जिसके बाद खजराना पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची और फिर मौलाना को गिरफ्तार किया गया। वही मौलाना है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसने महज एक 15 साल की बच्ची की शादी 30 साल के युवक से कराई। हालांकि अब मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है। सिंधिया परिवार की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे होगा। राजमाता के अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 3 राज्यों के सीएम और कई राज परिवार शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ के सीएम भी शामिल होंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।